रिहर्सल की जा रही थी तो सुरनकोट के एक स्कूल में फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान बजाय कौमी परचम के स्कूल का परचम लहराया गया। इस हवाले से अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। नवीन आज पूंछ यूथ का एक वक्त जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से मुलाकात हुआ। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने नहायत ही तश्वीश का इजहार। इस दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर ने वक्त को पूरी तरह सुनकर उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिला में जाब्ता के तहत कार्रवाई करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। मीडिया के थ्रू नोटिस में आया कि सुरनकोट में एज पर बेसिकली वहाँ पे एक पास्ट ट्रेडिशन रहा है। जो मैंने इंक्वायर किया तो पता चला कि जो है वहाँ पे पहले भी कि जो फुल ड्रेस रिहर्सल के थे वो अपना जो स्कूल का फ्लैग था उसको फहराया करते थे, और कुछ लोगों ने इस पर ऑब्जेक्ट किया तो मैंने चीफ को हिदायत दी है कि जो ग्राउंड स्टाफ है उसको हिदायत दी है कि आगे से वो इस टाइप का जो है जो फुल ड्रेस रिहर्सल में भी कौमी परचम को ही फहराया करें, और जो इसमें जो है इसमें कोई भी कोताही, इवन फुल डे रिहर्सल में भी कोई भी कोताही ऐसी ना बरती जाए, और इसके लिए जो है जो जो कंसर्न ऑफिसर है उनको हिदायत दी गई है। थैंक यू सर। और हमसे हमने उनसे कहा कि जो भी इंसान हमारे इस कंट्री के नेशनल फ्लैग की या नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट करेगा आपको उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और डीसी साहब ने ये अशोर किया है कि वो रिटर्न में उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगेंगे ये उनसे चूक कैसे हुई, और आने वाले वक्त में इस तरह की गलती डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो ऑफिसर है वो ना करे, इसको वो पूरा सुनिश्चित करेंगे ताकि इन फ्यूचर इस तरह की कोई भी जो गलती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर जो ना करे, जिससे कि हमारे मुल्क के झंडे का या हमारे नेशनल एंथम का जो है वो अपमान। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल वो रिटर्न में जो है वो एक ऑर्डर निकालेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस तरह की गलती क्यों हुई है, अगर उसमें वो चूक में उन गलती पाएगी वो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन